शुरुआत मेरी लुधियाना अकैडमी तो हुई सी बास्केटबॉल दी और वो तो मैं बहुत छोटा सी काफ़ी एज मेरी तो 14 साल सी। सो मैं लुधियाना अकैडमी तो शुरुआत की थी बास्केटबॉल की। स्टडी मैं थोड़ा डेरा बाबा नानक और थोड़ी स्टडी मैं इतने रडियाने अपने नाल ही पिंड हाडे उत्थे की थी। मैं गेम बास्केटबॉल मेरी हाइट काफ़ी उदों ज़्यादा सी 6'6" सी। जब मैं 14 साल हाँ तो उदों फिर मैं लुधियाना जाके बास्केटबॉल स्टार्ट की। उदों मैनू कोचा उत्थे जयपाल को साहब ही उन्होंने मैंने कहा तू बास्केटबॉल का वधिया प्लेयर बन सकदा तू बास्केटबॉल ही खेड। फिर मैं बास्केटबॉल ही उस तो बाद मैं सबना पहला इंडिया टीम वालों पंजाब टीम वालों खेडिया अंडर 16 च और उस तो बाद मैं इंडिया टीम च मेरी सिलेक्शन हो गई अंडर 18 च और उस तो बाद मैं चाइना खेडिया आस्ट्रेलिया खेडिया। फिर मैं NBA अकैडमी इंडिया चला गया उस तो बाद फिर मैं अंडर 18 इंडिया टीम का कैप्टन रहा जी। उस तो बाद फिर मैं आस्ट्रेलिया अकैडमी च सिलेक्शन हुई। फिर मैं USA भी काफ़ी बार जा चुका होर भी कंट्रियाँ च इटली वगैरह होर भी मलेशिया थाईलैंड काफ़ी कंट्री मैं खेड चुका जी इंडिया टीम वालों भी और जो कैंप लगते ही NBA अकैडमी वालों उन्होंने वालों भी मैं खेड चुका जी। हाँ जी परिवार वालों पूरी फुल सपोर्ट रही है जी आप। हाँ जी हाँ जी मुश्किल शुरू तो आईया ही मतलब जिदा घर तो दूर रहना थोड़ा मतलब और बस होर तो कोई मुश्किल नहीं आई जी। बाकी बॉल गोडे परिवार च मेरा डैडी मम्मा और आप दो एक भरा जी एक वड्डी भैन आ मैं सब ना छोटा जी। नहीं कोई स्पोर्ट्समैन नहीं अपने कोई नहीं है जी घर च। नहीं मैं सीनियर लीग चो आया वहाँ मैं NBA जी लीग चो आया सिलेक्ट। हाँ जी जो मेन लीग है उस एक स्टैप थले है जी। अगे 4 प्लेयर जा चुके जी सॉरी 3 चौथा मैं वा जी। हाँ जी नहीं 14 साल तो पहला तो मैं स्पोर्ट्समैन बनना ही मैं कोई भी स्पोर्ट्समैन बन सकता लेकिन मैं शुरू तो शौक सी स्पोर्ट्समैन बन का और बास्केटबॉल का तो मैं नहीं सी पता। अगे ही मैं जो मेन लीग है USA चे हाथ वर्क करूँगा। मेरा एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होया वा मैं कोशिश वधिया हार्डवर्क करके गांह कॉन्ट्रैक्ट वधावगा और इंडिया टीम च ते करंटली मैं मैंबर हाँ इंडिया टीम का और अगे वास्ते भी मैं इंडिया टीम नूं वधिया इंडिया टीम वालों भी खेडांगे इंडिया टीम नूं होर गांह लैके जावांगे। बहुत वधिया लगता जी बहुत वधिया लगन डिया जी। हाँ जी बहुत ज़्यादा खुशी है जी। हाँ जी सारा पूरा इंडिया बहुत खुश है जी। हाँ जी नौजवान पीढ़ी नूं यही मैसेज इहो कहना चाहुंदा है कि अपना वधिया स्पोर्ट्समैन बनो स्पोर्ट्समैन की लाइफ बहुत वधिया बहुत ज़्यादा वधिया है और अपना नाम रोशन करो और कोई भी स्पोर्ट्स करो वधिया। हाँ जी कोई भी स्पोर्ट्स करो जिदा बास्केटबॉल वॉलीबॉल रनिंग वगैरह अपने आप को फिट रखो। हाँ जी नशिया नूं इहो ही कहना चाहुंदा कि अपने नशे कोई फायदा नहीं नशे छड़ के अपने ग्राउंड च जाओ अपनी फिटनेस करो और जो स्पोर्ट्समैन लाइफ है बहुत वधिया लाइफ है जी। प्रिंसपैल दी छोटे होंदे हाइट काफ़ी सी अच्छा हाइट ज़्यादा होने करके जहेदार अमरीक सिंह खलीलपुरिया श्रोमणी कमेटी मैंबर उन्होंने मैं कहा भी इनू ना आपां एक गेमां विच पाईए जी। उन्होंने सानूं लोधी नंगलिया MLA कादियां हलका उहदे बेटे कंवर मनप्रीत मनदीप सिंह को भेजा जी। उन्हें इनू लुधियाने अकैडमी बास्केटबॉल अकैडमी उत्थे कोच नाल गल की उत्थे सानूं उन्हें जो कई उन्होंने लगा चयन करने वास्ते उन्होंने कैंप लगा वो भेजा जी।
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ छोटा हुंदा बहुत शैतान हुंदा सी इन्हें कहना कि मैं वालीबाल खेडना दूजा वालीबाल भी खेडना इन्हें न्याणियां नूं कुट के आना शैतानियां करनियां बहुत ज्यादा तो खाण पीन का जो जिहड़ी चीज़ होनी वह खा लेनी ये नहीं भी जरूरी मैं आ खानी तो आ खानी आ जी बनी होनी चीज़ वह खा लेनी आ कढ़ी चौल बड़ो खुश होकर खाँदा बैंगन बनाए हो कहना मम्मी चौल बना लो साग बना कहना साग ना मम्मी चौल बना ला कहना नहीं हूँ तो साग बनाया वा हूँ नहीं बनाने सवेरे बनावे तो कहना चलो ठीक है जिहड़ी चीज़ नहीं वह खा लेनी कोई चीज़ नहीं आखना भी मैं आ नहीं खानी आ नहीं खानी बहुत खुश होकर खा लेंदा जी कि उम्र इन्हों की हो चुकी है ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਅਜੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਆਵਰ YouTube ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ DNN ਬਾਈ ਕਲਿਕਿੰਗ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਡੋਨਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ